YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में TEC में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके भी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको TEC की वेबसाइट पे चले जाना है। कैसे आना है चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करते हैं दोस्तों आपको यहाँ गूगल सर्च में TEC एग्जाम टाइप कर देना और सर्च कर लेना है। सर्च करते ही देखिए आपको पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा TEC सर्टिफिकेट। ऊपर में देखिए आपको www.cseentrepreneur.in दिखेगा, तो दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप TEC की वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लॉगिन विद अस, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देखिए लॉगिन और दूसरा है रजिस्ट्रेशन। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करते हैं दोस्तों, एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए दोस्तों एक नया पेज खुल करके आ चुका है। यहाँ देखिए आपसे डिटेल्स मांगा जा रहा है, यहाँ नेम आपसे मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स मदर्स, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपलोड स्टूडेंट फोटो, उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से कंप्लीट फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नाम डाल देना है। तो चलिए मैं कंप्लीट फिल करके आपको आगे का प्रोसेस करके दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फोटो को अपलोड कर लेना है। तो चलिए फोटो को अपलोड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फोटो बोला जा रहा है 50 KB से कम होना चाहिए, तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं 50 KB से कम है कि नहीं। ये दोस्तों 77 KB है, तो इसको दोस्तों यहाँ 50 KB बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको 50 KB बना देते हैं। कंट्रोल एस दबा देंगे दोस्तों सेव हो जाएगा। तो मेरा ये सेव हो चुका है। चलिए फिर से चूज कर लेते हैं फाइल, देखते हैं 50 से कम हुआ है कि नहीं। अभी भी दोस्तों देखिए 52 है। दोस्तों इसको फिर से कंप्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको फिर से एक बार कंप्रेस कर लेते हैं।
चूज फाइल पे फिर से क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों ये 42 KB हो चुका है, तो इसको फिर से ओपन कर देंगे, आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है, तो चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सभी को फिल कर लिया हूँ, उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार अच्छी तरह से आपको चेक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं चेक कर लिया हूँ, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सर्चिंग ले रहा है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ वेट करते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, तो आपको यूपीआई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप भीम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप, अदर यूपीआई को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं डायरेक्ट यूपीआई को डाल लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं फोन पे का यूपीआई डाल लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो चलिए मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपके फोन पे एप्लीकेशन में, फोन पे ऐप में एक नोटिफिकेशन चला गया होगा, वहां से दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आपका मिनट चल रहा होगा, आप दोस्तों यहाँ 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों ये पेज कट जाएगा। तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। आपको अपने मोबाइल में ऐप को ओपन करके पेमेंट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं पेमेंट कर दिया हूँ। पेमेंट करते ही देखिए दोस्तों इस प्रकार का इशू आ रहा है, द इन्फॉर्मेशन योर अबाउट टू सबमिट इज नॉट श्योर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों पेज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पेज आपको उसी प्रकार से दिखाई पड़ रहा है जो जिस तरह से पहले है। देखिए देखिए दोस्तों बार बार रिफ्रेश करने के बावजूद भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेंड एनीवे के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए सेंड एनीवे के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों इस प्रकार से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है और टीसी नंबर भी मिल चुका है। द ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुली एंड योर यूजर नेम इतना एंड पासवर्ड मोबाइल नंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर नंबर भी दिख रहा है, कोर्स नेम भी दिख रहा है, टोटल अमाउंट भी दिख रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप टीसी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको लॉगिन करके दिखाते हैं सक्सेसफुली मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको लॉगिन विथ अस, यहाँ देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन विथ अस, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो चलिए यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं टीसी नंबर और पासवर्ड डाल लिया, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों मेरा यहाँ लॉगिन हो चुका है। ये दोस्तों यहाँ मेरा लॉगिन हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सक्सेसफुली टीसी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहला है डैशबोर्ड, दूसरा है लर्निंग, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मॉडल नंबर देखने को मिलेगा, मटेरियल देखने को मिलेगा, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं।
लर्न कर सकते हैं वीडियो इंग्लिश, यहाँ वीडियो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ वीडियो हिंदी में है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये सभी आपको मटेरियल है। यहाँ दोस्तों आपको चैप्टर का नाम देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर असेसमेंट दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पर देखिए आपको 10 असेसमेंट मिलेगा। यहाँ सभी को लॉक पे क्लिक करके आपको असेसमेंट देना पड़ेगा। सभी में देखिए दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ जितना भी आपका क्वेश्चन सही होगा वो उतना नंबर यहाँ आपको मिलेगा। और नीचे दोस्तों नीचे से आप लाइव एग्जाम दे पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप टीसी में रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दे पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा, साथ ही वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। हमें कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको लाइव असेसमेंट दे करके दिखाएंगे, साथ ही दोस्तों आप मोबाइल से भी असेसमेंट कैसे देंगे उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों टीसी का लाइव एग्जाम भी आपको देखने को मिलेगा, जा करके चैनल में देख सकते हैं और दोस्तों लाइव एग्जाम दे सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।